चुड़ैल की कंप्यूटर क्लास। कैलाश, तुम्हारा कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट हो गया है। कुछ देर बाद मेरे केबिन में आकर मुझसे अपना सर्टिफिकेट ले जाना। इतना कहकर टीचर अपने केबिन में जाकर बैठ जाती है और कुछ ही देर बाद कैलाश भी अपना फाइनल सर्टिफिकेट लेने के लिए अपनी टीचर के केबिन में पहुंच जाता है, जिसके बाद उसकी टीचर उससे कहती है, कैलाश तुमने बहुत अच्छी तरह अपना कंप्यूटर का कोर्स पूरा किया है और तुम पूरी क्लास में सबसे अच्छे ग्रेड्स लेकर आए हो। ये लो तुम्हारा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। इतना कहकर टीचर कैलाश को सर्टिफिकेट देने लगती है। जैसे कैलाश अपना सर्टिफिकेट पकड़ता है, टीचर की आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं और उसका रंग हरा हो जाता है। देखते ही देखते वो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसके बाद वो कैलाश से कहती है, कैलाश कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लेने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी। जो मेरे साथ हुआ अब मैं वो तुम्हारे साथ करूंगी। अपनी चुड़ैल टीचर को देखकर कैलाश डर के मारे थर थर कांपने लगता है, जिसके बाद कैलाश अपनी चुड़ैल टीचर से कहता है, चुड़ैल हे भगवान, तुम तो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल हो। इसलिए तो मैं तुझे मारने वाली हूँ, क्योंकि तूने क्लास में टॉप किया है। अरे चुड़ैल टीचर जी, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मार रही हो? अरे जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो? इससे तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? सुकून मिलेगा, मुझे तुम्हें मारकर बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। जब मैं किसी को अपनी तरह तड़पते हुए देखती हूँ तो मेरी आत्मा को बहुत आराम मिलता है। इतना कहकर चुड़ैल कैलाश को पकड़ती है और उसे मार देती है, जिसके बाद वो कैलाश के शरीर को सीधा अपने मुंह में निकल जाती है और चुपचाप वापस से अपनी सीट पर बैठ जाती है, जिसके बाद वो दोबारा से अपने टीचर वाले रूप में आ जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। आखिर मैंने इसे भी मार दिया। ऐसे ही मैं धीरे धीरे जो भी इस क्लास के कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट करेगा मैं उसे मारती जाऊंगी। आखिर मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, मुझे भी बेरहमी से मारा गया था। क्या दिन थे वो जब मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया करती थी। एक दिन मैं जब क्लास में पहली बार आई तो सभी ने मुझे देखकर कहा था, अरे क्या बात है, ये काली कलूटी बैंगन लूटी हमारी कंप्यूटर क्लास में क्या करने आई है। अरे ये तो एक काला मगरमच्छ है, ऊपर से इसके चेहरे पर कितने सारे पिंपल्स भी है। छी, मुझे तो इसे देखकर उल्टियां आ रही हैं। अबे यार देख, उल्टी आ रही है तो इसी के मुंह पर कर दियो, क्या पता तेरी उल्टी से इसका मुंह साफ हो जाए। सभी लोग मेरे ऊपर बहुत ही बुरी तरह हंस रहे थे। किसी को भी मैं अपनी क्लास में पसंद नहीं थी। अगर मैं सुंदर नहीं थी तो इसमें मेरी क्या गलती थी। और ये तो कुछ भी नहीं था, सबसे ज्यादा बुरा तो मेरे साथ तब हुआ जब मुझे सर्टिफिकेट मिलने वाला था। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना, इस क्लास का हर एक बच्चा कंप्यूटर के कोर्स में पास है, लेकिन जिसने पूरी क्लास में टॉप किया है उसका नाम है मोहिनी। मोहिनी तुम पूरी कक्षा में सबसे अच्छे नंबर लेकर आई हो, इसलिए तुम्हें फर्स्ट पोजीशन दी जाती है। अपने बारे में यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, जिसके बाद मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे और मैं अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने टीचर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मेरी खुशी मेरी क्लास के बच्चों से देखी नहीं गई, जिसके बाद उन्होंने आपस में प्लान बनाया। अबे यार ये कैसे हो सकता है, ये भद्दी सी लड़की हम सबको पीछे छोड़कर कैसे जा सकती है। अगर इसको सर्टिफिकेट मिल रहा है तो हमें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, अगर ये मर गई तो इसका फर्स्ट प्राइज किसी और को मिल जाएगा। जैसे ही टीचर इसको सर्टिफिकेट देंगे उसके बाद ये हम सभी को भाषण देने के लिए माइक के पास जरूर जाएगी। मैं उसी वक्त माइक में करंट की वायर अटैच कर दूंगा, जिसके बाद इसे एक जोरदार झटका लगेगा और वो मर जाएगी। क्या प्लान बनाया है भाई तूने, चल अब इस मोहिनी की बच्ची का काम तमाम करते हैं। उन तीनों ने मिलकर माइक पर बिजली के तार अटैच कर दिए थे जिसमें बहुत ही ज्यादा हैवी करंट था। जैसे ही सर्टिफिकेट लेकर मैं माइक को पकड़ने लगी वैसे ही मुझे एक बहुत जोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से मैं वहीं मर गई। मेरे मरने के बाद किसी ने भी मेरी डेड बॉडी को नहीं छुआ क्योंकि मैं सुंदर नहीं थी। बेचारे माँ बाप ने मेरा अंतिम संस्कार किया और मेरे मरने के बाद फर्स्ट प्राइज राकेश को दे दिया गया। देखो बच्चों, मोहिनी क्लास में फर्स्ट थी लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं बची। मोहिनी के बाद अच्छे नंबर राकेश लेकर आया था, इसलिए फर्स्ट अवार्ड और सर्टिफिकेट राकेश को दिया जाता है। ये लो राकेश, तुम्हारा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। शुक्रिया सर, आखिर जो जिसका हकदार होता है वही उसे पाता है।
मरने के बाद मैं चुड़ैल बन चुकी थी, जिसके बाद ये सब क्लास की खिड़की से झांक कर देख रही थी। मैं कंप्यूटर सीख कर बहुत कुछ करना चाहती थी, अपने गरीब परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, और जो बच्चे गरीब थे उन्हें फ्री में कंप्यूटर सिखाना चाहती थी। लेकिन मेरे साथ साथ मेरे सभी सपने भी मर गए। लेकिन अब और नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब जो भी कंप्यूटर में अच्छे नंबर लेकर आएगा, मैं उन सबको मार दूंगी। अगला नंबर ब्रजेश का है। इतना सोचकर चुड़ैल वहां से उठती है और बाहर जाकर ब्रजेश नाम के स्टूडेंट को अपने केबिन में बुलाती है, जिसके बाद वो कैलाश की तरह उसे भी मार देती है। ऐसे ही जो भी अच्छे नंबर लेकर आता, चुड़ैल उसे मार देती है। धीरे धीरे गाँव के बच्चों की संख्या कम होने लगती है, जिसकी वजह किसी को पता नहीं होती। कई दिनों से मेरा ब्रजेश गायब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा आखिर गया तो गया कहाँ? मेरा बेटा कैलाश तो तुम्हारे बेटे से पहले से ही गायब है। पुलिस कंप्लेन लिखवा दी थी, लेकिन मेरे बेटे का कोई अता पता नहीं। पता नहीं धरती खा गई या आसमान निकल गया। आखिर हमारे बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं? जब से इस गांव के बच्चों ने कंप्यूटर क्लास में जाना शुरू किया है, तब से ही बच्चे धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। मुझे तो उस टीचर पर ही कुछ शक होता है। शिल्पा की बातें सुनने के बाद गांव की सभी औरतें उसकी बातों के ऊपर विश्वास करने लगती हैं, जिसके बाद एक रोज गांव की सभी औरतें इकट्ठा होकर टीचर से मिलने के लिए जाती हैं। लेकिन मिलने से पहले वो सभी औरतें क्लास की खिड़की से झांकने लगती हैं, जिसके बाद वो टीचर को अचानक से चुड़ैल के रूप में आते हुए देखती हैं, जो उनके बच्चों को मार रही होती है। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल निकली। इसका मतलब यही हमारे बच्चों को खा रही थी इतने दिनों से। अब हम इससे कैसे पीछा छुड़ाएं? चुड़ैल तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसके लिए हमें तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। पास ही में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, चलो उनके पास चलकर मदद मांगते हैं। वो तीनों तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं और उन्हें गांव के अंदर हो रही पूरी घटना के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और चुड़ैल टीचर के पास पहुँच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल टीचर से कहता है, दुष्ट चुड़ैल, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तेरे साथ जो हुआ तो वही इन मासूम बच्चों के साथ दोहरा रही है। मेरी बात मान जा और चली जा यहाँ से, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुझे क्या लगा मैं तेरी इन फालतू की धमकियों से डर जाऊंगी और यहाँ से दुम दबा कर भाग जाऊंगी? हाँ चुड़ैल, तुझे यहाँ से जाना ही होगा। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। उसी प्रकार मैं तुझे यहाँ से भगा कर ही रहूंगा। अब देख तू मेरा कमाल। इतना कहते ही तांत्रिक बाबा अपने झोले से एक कांच की शीशी और जादुई छड़ी निकालता है, जिसके बाद वो एक मंत्र पढ़ने लगता है। ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा। तांत्रिक के मंत्र के उपचार से चुड़ैल धीरे धीरे कांच की बोतल में समा जाती है, जिसके बाद तांत्रिक उस बोतल का ढक्कन लगाता है और अपने साथ उसे ले जाता है, जिसके बाद से गाँव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। भूतिया बच्चों का आतंक। आधी रात होने के साथ गांव का माहौल एकदम शांत और सन्नाटे भरा हो जाता है। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक कुछ छोटे छोटे भूतिया बच्चों का झुंड घुटनों के बल चलते हुए गांव में घुस आते हैं। उन सभी बच्चों की आंखें लाल थी और उनके मुंह से खून बह रहा था। तभी भूतिया बच्चे कहते हैं, हम सभी भूतिया बच्चे बनकर लौट आए हैं। अब हम अपनी मौत का बदला लेंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सभी गांव वालों को मौत के घाट उतार देंगे। चलो अब अपनी भूतिया आवाज में रोना शुरू करते हैं। सभी भूतिया बच्चे जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं और उनके रोने की आवाज सरपंच के कानों में पड़ती है कि उसकी नींद खुल जाती है और वो आंख मलते हुए कहता है, अरे इतनी रात में किसका बच्चा रो रहा है, अच्छी खासी नींद खराब कर दी। सरपंच बिस्तर से उठ खड़ा होता है और दरवाजे खोलता है। तभी भूतिया बच्चे एक साथ उस पर झपट पड़ते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं, जिसके बाद सरपंच कहता है, अरे मैया, ये कैसे शैतानी बच्चे हैं जिनकी आंखें राक्षस के जैसी लाल हैं, पहचाना नहीं हमें। अरे बाप रे, ये दुधमुहे भूतिया बच्चे बोलते भी हैं। भाग सरपंच, वरना ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरपंच जैसे ही दरवाजा बंद करने के लिए भागता है, तभी सारे भूतिया बच्चे अपने नुकीले दुधमुहे दांत उसके गर्दन पर गड़ा कर उसे मार डालते हैं और कहते हैं, मुझे जोरों की भूख लगी है, चलो इसका खून पीते हैं। वैसे भी हम भूतिया बच्चे जो दूध की जगह इंसानों का खून पीते हैं। सभी भूतिया बच्चे उसका खून पी जाते हैं और उसका शरीर पीला करके एक साथ झुंड बना कर गायब हो जाते हैं।
अगले दिन सरपंच की लाश को देखकर सभी गांव वाले तरह तरह की बात बनाते हुए कहते हैं, हाय री, इतनी बेरहमी से किस जानवर दानव ने सरपंच जी का खून चूस लिया। सरपंच जी तो चल बसे, अब रोने पीटने से क्या फायदा। पर आखिर सरपंच जी के मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है। लाख सोचने पर भी कोई भी जन सही नतीजे तक नहीं पहुंच पाता और फिर से भयानक रात होने के साथ भूतिया बच्चे झुंड बनाकर गांव में प्रकट होकर कहते हैं, चलो चलकर हम भूतिया बच्चे मौत का खेल शुरू करते हैं। हाँ चलो, इन गांव वालों के मौत का बिगुल बजाते हैं। सभी भूतिया बच्चे छलावे भरी आवाज में रोना शुरू करते हैं और इस बार आवाज भगवती के कानों में पड़ती है जो कहती है, हाय हाय सत्यानाश हो, इतनी रात के किसका सपोला रोने धोने की सारंगी बजा रहा है, अब तो निकलकर देखना ही पड़ेगा। भगवती दरवाजा खोलकर इधर उधर देखने लगती है, तभी बच्चे के रोने की आवाज बंद हो जाती है और बच्चे अचानक से उस पर एक साथ वार करते हुए कहते हैं, रुक जरा देखो तो, ये भगवती हम भूतिया बच्चों को देख कर कैसे थर थर कांप रही है। हाय रे मैया, ये ममता के भूतिया बाल गोपाल लौट कैसे आए। तुमने क्या सोचा कि तुम हमें मारकर आराम से बैठ जाओगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक को चुन चुन कर मार डालेंगे। ये कहकर सभी भूतिया बच्चों का झुंड उसे बेरहमी से मार देता है और गायब हो जाते हैं। ऐसे ही हर बार वो भूतिया बच्चे झुंड बनाकर गांव में आते और लोगों को मार कर गायब हो जाते। इस तरह अब गांव से लोगों की तादाद ज्यादा घटने लगती है। अब भूतिया बच्चों की आवाज सभी गांव वालों ने सुन ली थी, जिस वजह से वह डरते हुए कहते हैं, गांव वालों, ये जो भूतिया बच्चे बनकर सभी लोगों को मार रहे हैं, ये और किसी के नहीं बल्कि उसी ममता के ही बच्चे हैं। हमने जो उसके साथ किया, अब ये भूतिया बच्चे हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब हमें इन भूतिया बच्चों से इनकी माँ ही बचा सकती है। सभी लोग एकजुट होकर ममता के पास आते हैं, जहाँ ममता अपने बच्चों की याद में आंखों से आंसू बहा रही थी। तभी सभी उससे कहते हैं, ममता बहन, हम सभी को माफ कर दो, हमसे बहुत भारी अपराध हो गया। तुमने जो किया उसके लिए ऊपर वाला भले ही तुम्हें माफ कर दे, पर ये माँ कभी नहीं करेगी। तुम्हारे नवजात मरे हुए बच्चे भूतिया बच्चे बनकर लौट आए हैं और सबको मौत के घाट उतार रहे हैं, उनके कहर से हमें बचा लो। कभी नहीं, तुमने जो मेरे भोले भाले बेजुबान बच्चों के साथ किया उसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, चले जाओ यहाँ से। ममता को हाथ पीछा करते देख गांव वाले वहां से चले आते हैं और कहते हैं, उस भूतिया बच्चों के आतंक से यही हमें बचा सकती थी, अब हमें उन भूतिया बच्चों से कौन बचाएगा। हमें किसी तांत्रिक या सिद्ध पुरुष की सहायता लेनी होगी। ये बोलकर सभी एक पहाड़ी बाबा के पास जाकर उनसे मदद की मांग करते हुए भूतिया बच्चों के मचाए आतंक के बारे में बताते हैं और बाबा पूरी तैयारी करके गांव में आते हैं और तभी रात होने के साथ सभी भूतिया बच्चे झुंड बनाकर गांव में घुस आते हैं और बाबा कहते हैं, रुक जाओ, आखिर तुम सभी भूतिया बच्चे गांव में क्यों आतंक मचा रहे हो। हम तुम्हें क्यों बताएं? हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना हम भूतिया बच्चे आतंक मचाकर तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे। तुम सभी भूतिया बच्चे एक साथ मिलकर भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। हम सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। कैसा बदला बताओ। एक वक्त था जब मुकुंदपुर गांव में काफी खुशहाली का माहौल था, पर अचानक गांव पर गंभीर महामारी के बादल छा गए, जिस कारण सभी लोगों के बच्चों ने दम तोड़ दिया और ममता के सभी बच्चे एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। ये देखकर गांव वाले सरपंच के पास आकर कहते हैं, सरपंच जी, इस महामारी के चलते हम सभी के बच्चे चल बसे। पर उस ममता के सारे बच्चे जिंदा कैसे हैं? पक्का इस डायन ने काला जादू करके हम सभी के बच्चों को खा गई, सिवाय अपने बच्चों को छोड़कर। अगर ये सत्य है तो उसके बच्चों को भी जीने का कोई अधिकार नहीं, जान के बदले जान। अभी उसके घर के हालात बहुत खराब हैं और उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं। चलो आज हम उसके बच्चों के लिए दूध लेकर चलते हैं। सरपंच जी बौरा गए हैं, क्या उसने हम सभी के बच्चों का खून बहाया है और हम उसके सपोलों के लिए दूध लेकर जाएं? वो दूध ममता के सभी बच्चों का मौत का भोज होगा, क्योंकि मैं उसमें जहर मिलाकर उसे दूंगा। सरपंच उसके बच्चों के लिए जहर मिला दूध लेकर उसके घर पहुंचता है और ममता कहती है, अरे सरपंच जी, आप सभी यहाँ कैसे। हेलो ममता, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, ये दूध पिलाकर उनकी भूख मिटा दो। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी, जो आपने मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ किया।
ममता वो जहरीला दूध अपने चारों बच्चों को पिला देती है। उसे पीने के साथ ही उसके सभी बच्चे मुंह से खून की उल्टियां करते छटपटा कर मर जाते हैं और ममता आंसू बहाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है, एक एक करके मेरे बच्चे मर कैसे रहे, क्या मिला था इस दूध में? जहर मिला था। और मरने के बाद हम सभी बच्चे भूत बन गए। हम अपनी माँ के एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। हमें कोई नहीं रोक पाएगा, तू भी नहीं। बाबा और भूतिया बच्चों के झुंड में घमासान युद्ध छिड़ जाता है और बाबा को मुंह की खानी पड़ती है। इन भूतिया बच्चों को अब और काबू करना मेरे वश से बाहर है, इसकी माँ ही इन्हें रोक सकती है। भूतिया बच्चों के आतंक को रोकने के लिए उनकी माँ वहाँ आकर कहती है, मेरे बच्चों छोड़ दो इन्हें। माँ, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इनकी वजह से हमें आपके आंचल की छांव और ममता नसीब ना हो सकी। अपनी माँ की बात मानो और चले जाओ यहाँ से मेरे लिए। सभी भूतिया बच्चे आंसुओं में डूबे अपनी माँ की गोद में आकर उसके गले लगते हैं और माँ की ममता को कुछ क्षण पाकर उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है और ममता कहती है, काश कि तुम सब समझ पाते कि उस महामारी में मेरे बच्चों को कुछ ना होना ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाला गरीब के बच्चे को जल्दी कोई तकलीफ नहीं देता। ये सुनकर सभी को अपनी गलतियों का बेहद पछतावा होता है और वो ममता से माफी मांगते हैं। चुड़ैल की मैंगो मशीन। सीमापुर गांव में एक सुमन नाम की बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पास अक्सर छोटे बच्चे और बड़े लोग आम लेने आया करते थे। न जाने उसके आम में ऐसा क्या था कि शाम को उस बुढ़िया के पास दादी दादी करते हुए बच्चे आम खाने आया करते थे। ऐसे ही एक दिन रिंकू और पिंकू सुमन के पास आते हैं और कहते हैं, दादी दादी, आज भी हमें आम खाने का बहुत मन कर रहा है, एक एक आम दो ना। हाँ हाँ दादी, आज भी एक आम दो ना, जो बड़ा सा हो और बहुत रसीला हो। आपके पास आकर आम खाना में बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, रुको रुको, मैं अभी आम लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो बुढ़िया अंदर से दो आम निकाल कर लाती है और बच्चों को दे देती है, जिसके बाद बच्चे बड़े चाव से उस आम को खाते हैं। कैसा लगा बच्चों तुम्हें ये, और खाओगे आम? हाँ दादी, एक आम और दे दो। अरे सुमन आंटी, मुझे भी आम चाहिए। आपके आम में पता नहीं क्या जादू है, जिसे खाकर हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगता है। बाहर मार्केट में तो बहुत महंगे, लेकिन उसमें वो बात ही नहीं जो आपके आम में है। आप मुझे एक किलो आम दे दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, एक किलो क्या, दो किलो आम ले जाओ। आम देने से मैं कोई मना थोड़ी करूँगी। जी आंटी। ये सुनकर वो बुढ़िया गीता को एक किलो आम दे देती है, जिसके बाद वो आम लेकर चली जाती है। ऐसे ही कई लोग उस बुढ़िया पर बार बार आम खरीदने आते हैं। अगले दिन जमुना रोते हुए कहती है, अरे कोई तो मेरे पति को ढूंढ कर ला दो, पता नहीं वो कहाँ चले गए। जब से कल वो आम लेने गए हैं, मिल ही नहीं रहे। तुम परेशान मत हो, यहीं कहीं होगा तुम्हारा पति, आ जाएगा। क्या पता उससे कुछ काम पड़ गया हो। नहीं नहीं, वो मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाते। उसी शाम जमुना को उसका पति रास्ते में मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर उसकी सारी हिम्मत टूट जाती है। वहीं जो भी आम खा रहा था वो एक एक करके गायब हो रहा था। आखिर गांव के लोग आम खाकर क्यों गायब हो रहे थे? क्या उसके पीछे वो आम वाली बुढ़िया है? अगर हाँ तो पूरा सच जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक शाम रमेश उसे आम लेकर खा लेता है। आधी रात में वो उस आम से सम्मोहित होकर उसी बुढ़िया के पास चला जाता है और वो बुढ़िया उसे देख कर कहती है, अरे बेटा, तुम फिर से आम खाने आए हो क्या? ओहो, लगता है। अरे ये तो मेरे सम्मोहन में है, तो चलो आओ, आज मैं तुम्हारा टिकट ही काट दूं। बहुत प्री के आम खा लिया तुमने। ये बोलकर सुमन एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और रमेश को जान से मार डालती है। बता, और खाएगा मेरे आम? तुमने धोखे से मुझे अपने आम खिलाकर सम्मोहन किया और मार डाला, क्यों? क्योंकि मुझे मारने में बहुत मजा आता है। रमेश इतना कहते ही दम तोड़ देता है। इस तरह चुड़ैल फिर से इंसानी रूप लेकर लोगों को अपने नशीले सम्मोहन आम देती है, जिसे खाकर लोगों को उस आम की लत हो चुकी थी। वो बार बार आम को खाने आते हैं, फिर एक दिन उन्हें वो मार देती है। गांव के लोगों को कानो कान पता नहीं चलता कि आखिर गांव के इतने लोग कहां गायब हो रहे हैं और कैसे मर रहे हैं। रात के समय जमुना उसके पास आती है और उससे कहती है, मुझे और आम खाने हैं, मुझे आम चाहिए। क्या बोली तू,
तुझे आम चाहिए। वो आम तो मैं तुझे दे ही चुकी हूँ, अब तो तेरे मरने की बारी है। आखिर मेरा शिकार मेरे पास फिर से आ ही गया। ये बोलकर चुड़ैल जैसे ही जमुना को मारती है, तभी उसका बेटा पार्थ, जो कि भूत था, ये सब करता हुआ उसे देख लेता है और कहता है, माँ ये सब क्या है? आपके पास शिकार कैसे आ गए? मुझे तो इस इलाके में शिकार बिल्कुल भी नहीं मिलते शिकार करने के लिए, मुझे शहर जाना पड़ा। ये तो तेरी माँ का कमाल है जो शिकार मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। हाँ माँ, पर आप ऐसा क्या करती हो जिसकी वजह से शिकार आपके पास खुद आ रहे हैं? बेटा तुझे तो पता ही है, आम के सीजन में लोग बिना हवा के रह सकते हैं, लेकिन बिना आम खाए नहीं रह सकते। तो बस इन्हें रसीले आमों से मैं इन्हें सम्मोहित कर लेती हूँ और ये मेरे पास खींचे चले आते हैं और फिर मैं इन्हें मार देती हूँ। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, पर इतने सारे रसीले आम कहाँ से लाती हो? उसके लिए तो मुझे बुढ़िया के गेटअप में बहुत सारे कच्चे आम लाने पड़ते हैं, फिर मेरे जादू से अगले ही दिन वो आम पक जाते हैं जिन्हें खाकर लोग मदहोश हो जाते हैं। अरे वाह माँ, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, पर आप आम पर इतनी मेहनत क्यों करती हो? मैं जादू से आम मशीन ले आता हूँ, उससे आप जितने चाहे उतने आम लोगों को खिलाकर उनका शिकार कर सकती हो। पता नहीं पहले मुझे ये ध्यान क्यों नहीं आया। सच बेटा? हाँ माँ, देखना अब हमारे आम की मशीन से हमारे शिकार करने का कितना बिजनेस चलेगा, इतना तो किसी और चुड़ैल और भूत ने नहीं किया होगा। वाह बेटा, आज मुझे अपने भूतिया बेटे पर बहुत गर्व हो रहा है। ये बोलकर वो भूत अपनी जादू से आम की मशीन ला देता है, जिसके बाद वो आम की मशीन चलाकर दिखाता है। अरे बेटा, पर इसमें से इतने सारे आम कैसे निकलेंगे? बस आप अपना एक रसीला आम इन मशीनों में डाल दो, फिर देखना। बेटे की बात सुनकर चुड़ैल उस मशीन में एक आम डाल देती है, फिर वो भूत मशीन का बटन ऑन कर देता है, जिसके बाद एक के बाद एक रसीले आम निकलते हैं। ये देखकर चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह मेरे भूतिये बच्चे, तूने तो सच में कमाल कर दिया, अब तो हमारे पास इतने शिकार होंगे कि पूछो ही मत। हाँ माँ। अरे सुमन जी, और आम होंगे क्या? मेरी पड़ोसन और बीवी दोनों ही आपके आम की मांग कर रहे हैं। माँ कोई दरवाजे पर आया है, जाइए और उसे फ्री में आम दे दीजिए। हाँ हाँ जाती हूँ। ये बोलकर चुड़ैल कमलेश को फ्री में आम दे देती है, तभी वो कहता है, अरे सुमन जी आप पैसे क्यों नहीं ले रही? बस ऐसे ही, आज फ्री में ले जाओ, बल्कि अब से हर रोज फ्री में ले जाओ, जितना मन करे उतना ले जाओ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बोलकर वो बहुत सारे आम ले जाता है, जिसके बाद वो आम दो तीन लोगों को बांट देता है। वो लोग आम खाकर सम्मोहित हो जाते हैं और रात को चुड़ैल और उसके बेटे के पास पहुंच जाते हैं। उनके बाद वो दोनों उसे मार देते हैं। इसी तरह दोनों मैंगो मशीन से रोज आम निकाल कर लोगों को जी भर कर आम देते हैं। तभी एक दिन लोगों को मारते हुए गांव का मुखिया देख लेता है। अरे बाप रे, इसका मतलब माँ बेटे के रूप में हमारे गांव में अब तक चुड़ैल और भूत रह रहे थे, इसका मतलब यही अभी तक लोगों को गायब करके मार रहे थे। ये बोलकर मुखिया अपने गांव के लोगों को उन दोनों के बारे में बता देता है और सभी लोग उसके घर के पास मशाल लेकर पहुंच जाते हैं। साथ ही तांत्रिक अपनी मंत्र से उसको बंदी बना देता है। अब तुम्हारा शिकार करके लोगों को मारने का खेल खत्म। ए तांत्रिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदी बनाने की? छोड़ मुझे और छोड़ मेरे बेटे को। ए बुड्ढे, मरना चाहता है क्या? मरेगा तो तू अब। खड़े क्या हो, तुम सब मशाल लेकर जाओ, इसकी आम मशीन में आग लगा दो। मुखिया की बात सुनकर गांव के लोग उसकी आम मशीन और झोपड़ी में आग लगा देते हैं, जिसके बाद दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर तांत्रिक भी उनकी आत्मा को कैद करके हमेशा के लिए चला। इंस्टाग्राम वाली चुड़ैल। रंजना नाम की औरत अपने घर में काम कर रही थी। वो काम करते करते खुद से बोलती है, अब मैं सुकून की जिंदगी जी रही हूँ। जब से वो गई है तब से तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी जिंदगी में कितना सुकून आ गया है। वो ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसके घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। ये देखकर रंजना खुद से बोलती है, हे भगवान, अभी तो मैंने बिजली का बिल भरा था, ये लाइट इतना ड्रामे दिखा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। रंजना खुद से ये बोल रही होती थी कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। मम्मी जी, क्या आप मेरे बिना खुश है? ये सुनकर रंजना थोड़ी सी डर जाती है और डरते हुए बोलती है, कौन है, कौन है यहाँ पर? रंजना के इतना बोलने के बाद उसे किसी की आवाज नहीं आती,
ये देखकर रंजना खुद से बोलती है, हे भगवान, पता नहीं मैंने अभी किसकी आवाज सुन ली थी, लगता है ये मेरा कोई वहम होगा। इतना कहकर रंजना बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है कि तभी उसको वहाँ पर बर्तन अपने आप धुलते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर रंजना बहुत डर जाती है और डर के मारे रोने लगती है। वो रोते हुए पूछती है, हे भगवान, इसका मतलब यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ है, तभी तो मेरे बर्तन अपने आप धुल रहे हैं, भगवान मेरी रक्षा करो। उसकी ये बात सुनकर उसे हंसने की आवाज आती है। मम्मी जी, आपने मुझे बहुत सताया है, मुझे इतना सताया कि आज मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ। हे भगवान, कौन है? मैं पूछती हूँ, कौन है, कौन मुझे परेशान कर रहा है? मम्मी जी, क्या आप मुझे भूल गई? मैं आपकी बहू सुलेखा। सुलेखा, तू तो मर गई थी ना, मरने के बाद भला कोई जिंदा कैसे हो सकता है? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल उसके सामने आती है और बोलती है, मम्मी जी, आपने और राकेश ने मुझे बहुत ही दुख दिए हैं, अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। चुड़ैल हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। और कुछ समय बाद राकेश थका हारा अपने घर आता है और जाकर अपने कमरे में सो जाता है। और थोड़ी देर बाद जब राकेश की आंखें खुलती हैं, तब वो खुद से बोलता है, आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, काश मेरे सिर को कोई दवा देता। राकेश इतना बोलकर आंख बंद करके एक बार फिर लेट जाता है कि तभी चुड़ैल वहां आती है और उसके सर को दबाने लगती है। राकेश को अपने सर में अब आराम मिलता हुआ महसूस होने लगा। वो आंख बंद किए हुए बोलता है, अरे माँ, आप मेरा सिर दबाने के लिए आ गए, आपके हाथों में जादू है, जादू। सच बात है, माँ को सब पता होता है। उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। हंसने के बाद चुड़ैल राकेश के सर को अब और तेज दबाने लगती है। धीरे धीरे करके अब वो राकेश के सर को आराम से नहीं बल्कि तेज से दबाने लगी। राकेश को अब ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उसके सर पर कोई हथौड़ा मार रहा है। ऐसा महसूस करता हुआ राकेश बोलता है, अरे माँ, आपके हाथ तो कोमल हाथों से हटकर पत्थर के हाथ लग रहे हैं, अब आप मेरे सिर में इतनी तेज मसाज क्यों कर रही हैं? आराम मिलने की जगह मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सिर में मसाज नहीं बल्कि हथौड़ा मार रही हैं। उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल उसके बालों को खींचने लगती है। अपने बालों को खींचता हुआ देख राकेश अचानक आंख खोलता है और अपने सर के ऊपर देखता है, लेकिन उसे अपने कमरे में कोई नहीं दिखता। ये देख राकेश थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो मेरे सिर को कौन दबा रहा था? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उससे बोलती है, अरे जानू, आप मुझे कैसे भूल सकते हो, आखिर आपने ही तो मुझे एक चुड़ैल बनाया है मेरी जान लेकर। उसको देखकर राकेश की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और वो डरकर भागते हुए नीचे हॉल में आ जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी माँ डरी और सहमी हुई सोफे पर बैठी है। ये देखकर अपनी माँ से राकेश बोलता है, माँ, वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है। मैं जानती हूँ बेटा कि सुलेखा वापस आ गई है, लेकिन हमें इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। लेकिन हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? उन दोनों को बात करता हुआ सुन चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है और हंसते हुए बोलती है, तुम दोनों को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता और ना तुम दोनों कभी मुझसे छुटकारा पा सकते हो। इतना कहकर वो चुड़ैल दोनों माँ बेटे के गले में जंजीर बांध देती है और डंडा मारते हुए उन्हें इधर से उधर कुत्ते की तरह दौड़ाने लगती है। वो राकेश का फोन लेती है और उसमें रील्स बनाने लगती है। रील्स बनाने के बाद वो राकेश के इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। ये देख राकेश की आईडी पर बहुत ही कमेंट आने लगे। उस कमेंट को देखकर राकेश और उसकी माँ दोनों को अब बहुत पछतावा होने लगा। उनको अब ऐसा लगा कि शायद अब उनके जीने की उम्र खत्म हो गई है, इसलिए अब दोनों माँ बेटे मदद की गुहार लगाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई है हमारी मदद करो, हम बहुत ही बड़ी परेशानी में है, कोई तो हमारी मदद करो, बचाओ, कोई है, अरे हमारी मदद करो, हम बहुत बड़ी परेशानी में है, कोई तो मदद करो हमारी। उन दोनों को मदद की गुहार लगाते हुए राकेश का एक दोस्त जिसका नाम रोहित है वो सुन लेता है और वो तुरंत उसके घर का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है, जहां वो देखता है कि उन दोनों के साथ एक चुड़ैल है जो कि उन्हें बुरी तरह डरा रही है। रोहित उस चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम और मेरे दोस्त और मेरी दोस्त की माँ को इस तरह क्यों डरा रही हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
लेकिन मैं कौन हूँ ये जरा तुम अपने दोस्त से पूछो। मुझे माफ कर दो सुलेखा, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद किसी भी औरत के ऊपर हम अत्याचार नहीं करेंगे। ये तू क्या बोल रहा है राकेश, आखिर ये है कौन? ये मेरी धर्म पत्नी है। जब ये शादी करके मेरे घर आई थी तो ये दहेज लेकर नहीं आई थी। मैं और मेरी माँ को हमेशा से ही एक सुंदर लड़की के साथ अमीर लड़की भी चाहिए थी। लेकिन सुलेखा सुंदर तो थी लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं और मेरी माँ आए दिन सुलेखा पर अत्याचार करते रहते थे। हम लोगों ने इस पर इतना अत्याचार किया कि शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस तरह सुलेखा ने आत्महत्या कर ली। हमने इसकी आत्महत्या की खबर को छुपा दिया और लोगों के सामने ये बोल दिया कि मेरी पत्नी यानी कि सुलेखा वो किसी पराए मर्द के साथ भाग गई है। राकेश तू मेरा दोस्त है ना, मुझे तो तुझ पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू ऐसा अपनी पत्नी के साथ कर सकता है। रोहित की बात सुनकर रंजना और राकेश दोनों ही अब दुखी होते हुए सुलेखा से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। हम लोग आज के बाद हर एक महिला की इज्जत करेंगे। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। हम लोग आज के बाद एक महिला की इज्जत करेंगे। उनकी बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, मम्मी जी, राकेश जी, मैं आप लोगों को मारना नहीं चाहती थी। मैं तो बस आप लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहती थी, ताकि आप लोग एक लड़की को लड़की समझे, क्योंकि वो एक घर की इज्जत होती है और शादी के बाद वो दो घर की इज्जत होती है। लेकिन अगर तुम जैसे लोग उस इज्जत को ही खराब कर दोगे तो तुम जैसे लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि तुम दोनों को अकल आ गई है। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से अपने आप गायब हो जाती है। और अब राकेश और उसकी माँ रंजना को अकल आ गई थी और इस तरह वो दोनों एक अच्छे इंसान बनकर जीने लगे। गर्दन काटने वाली प्रेग्नेंट चुड़ैल। रात के 2:30 बज रहे थे, कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। तभी चुड़ैल प्रेग्नेंट माया के पास जाती है और उसका गला काट कर कहती है, मार डालूंगी इस गाँव में, एक एक करके सबको मार डालूंगी। किसी भी गर्भवती औरत को नहीं छोड़ूंगी, मैं मार डालूंगी। 2 दिन बाद चुड़ैल फिर किसी गर्भवती औरत के घर में जाती है और उसकी गर्दन काट देती है। अगले दिन उसी औरत का पति रोते हुए बोलता है, मार डाला मेरी बीवी को, मार डाला। जरूर उसी चुड़ैल ने मेरी बीवी को मारा है, उसकी गर्दन काट दी। गांव के सभी लोग हरिया की बीवी की कटी गर्दन देखकर कहते हैं, हाय हाय, कितनी बेरहमी से वह चुड़ैल इसकी गर्दन काट दी। हाँ, बेचारी गर्भवती थी और उसका बच्चा भी मर गया। बेचारे हरिया पर क्या बीत रही होगी। अरे अरे, तुझे याद है कुछ दिन पहले मेरे सामने वाली पड़ोसन के भी बच्चा होने वाला था और उसको भी गर्दन से ही काटा था। लगता है गांव में गर्दन काटने वाली चुड़ैल आ गई है, जो सिर्फ गर्भवती औरतों को ही मार रही है। शाम होती है, चुड़ैल फिर आकर किसी गर्भवती की गर्दन काट कर चली जाती है और सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अब धीरे धीरे गांव में गर्दन काटने वाली चुड़ैल की दहशत फैल जाती है। गर्भवती औरतें अब गर्भवती होने से डरती हैं। आखिर ऐसी क्या बात थी जो गर्दन काटने वाली चुड़ैल सिर्फ गर्भवती औरतों को ही मारती थी, और इसके पीछे क्या राज है, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रजत शाम को खेत से लौटकर अपने घर जाता है, जहाँ उसकी पत्नी काव्या उसे पानी देकर कहती है, आप आ गए, ये लीजिए पानी। और तुमसे कितनी बार कहा है, तुम उठा मत करो, मैं सारे काम खुद कर लूंगा, बच्चे को कुछ हो गया तो। अजी धीरे बोलिए, अगर चुड़ैल को पता चल गया तो मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेगी। तुम फिकर मत करो, हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। लेकिन कुछ महीनों में मेरा गर्भ दिखने लगेगा, तब चुड़ैल आ गई तो। तुम डरो मत काव्या, मैं तुम्हें इस गांव से किसी दूसरे गांव में भेज दूंगा, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। दोनों बात कर ही रहे थे कि दरवाजे के खुलने की आवाज आती है और चुड़ैल वहां आकर डरावनी आवाज में कहती है, आई सी यू, मैं आ गई, अब तुम कैसे अपने बच्चे को बचाओगी। चुड़ैल, गर्दन काटने वाली चुड़ैल, दूर रहो मेरी पत्नी से। खबरदार जो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी के पास आने की कोशिश भी की, नहीं तो। वरना क्या करेगा तू, हाँ, मुझे मारेगा। चला, मैं तुझे मौका देती हूँ, जो कर सकता है कर ले।
नहीं जी, आप इसकी बातों में मत आइए। नहीं काव्या, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर रजत पास पड़े डंडे से उठाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे चुड़ैल को कुछ नहीं होता। तभी वो रजत की गर्दन पकड़कर हवा में उठाकर दीवार पर पटक देती है और कहती है, किसी की बस की बात नहीं है जो मुझसे जीत जाए। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। अब तेरी बारी, तू कभी माँ नहीं बन पाएगी। मैं किसी को भी इस गांव में माँ नहीं बनने दूंगी। मार डालूंगी सबके बच्चों को, मार डालूंगी। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मेरी बीवी और बच्चे को। रजत के आगे चुड़ैल काव्या की गर्दन काट देती है, जिससे काव्या का बच्चा वहीं गर्भ में मर जाता है। ये देखकर रजत टूट जाता है और रोते हुए कहता है, चुड़ैल तूने ठीक नहीं किया, मेरी हस्ती खेलती जिंदगी तूने बिगाड़ दी, मरेगी तू भी, बहुत बुरी मौत मरेगी। अरे मैं पहले से मर चुकी हूँ, तो तू क्या मुझे बुरी मौत देगा? उसी का बदला तो इस गांव वालों से ले रही हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई औरत इस गांव में गर्भवती नहीं हो पाएगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल चली जाती है। वहीं रजत अपनी पत्नी का बदला ले रहा और दूसरी गर्भवती औरतों को बचा लिए एक तांत्रिक बाबा पास पहुंच जाता है और सब उसे बता देता है, जिसके बाद वो तांत्रिक कहता है, तुम चिंता मत करो बालक, अब इस चुड़ैल का अंत होकर ही रहेगा। तभी तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करके उस गर्दन काटने वाली चुड़ैल को बुलाता है, जिसके बाद वो चुड़ैल उस तांत्रिक के सामने आ जाती है और कहती है, हे तांत्रिक, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? बता, तू क्यों गर्भवती औरतों की गर्दन काट कर हत्या कर रही है? तांत्रिक मंत्र पढ़कर उस पर भस्म फेंकता है और ध्यान लगाता है तो उसे पता चलता है कि वो गर्भवती चुड़ैल है और कहता है, अनर्थ, घोर अनर्थ, तू एक गर्भवती चुड़ैल है, फिर भी तूने गांव की गर्भवती औरतों को मारा। बता, क्यों किया तूने ये सब? हाँ, मैंने गाँव की गर्भवती औरतों को मारा, क्योंकि इन्होंने मेरी मदद नहीं करी। 2 साल पहले की बात है, मैं अपने पति सोहन के साथ और अपने सास ससुर के साथ बहुत खुश रहा करती थी। शादी को कुछ टाइम बीत जाता है, मेरी सास मुझे बोलती है, अरे ओ करमजली नासपीटी कहीं की बांझ, शादी को इतना टाइम हो गया, कब मुझे पोते का सुख देगी? माँ जी मैं क्या करूँ, हम दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं पा रहा। मुझे कुछ नहीं पता, अगर तूने मुझे पोते का सुख नहीं दिया तो तुझे घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मैं आप सबको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? जहाँ जाना है वहाँ जाकर मर। ऐसा कहकर वो चली जाती है। वहीं मीना इस बात से परेशान होकर रोने लगती है। अपने पति विराट से भी वो कहती है, विराट जी माँ जी मुझे बहुत कहती है, आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्या करूँ जब तुम कुछ नहीं कर सकती? ये चीज हमारे हाथ में तो नहीं है ना, बताओ क्या करूं? यहां तो मुझे बोलती हो, वहां माँ बाबूजी सुनाते रहते हैं। इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन मीना के कोई बच्चा नहीं होता। तभी एक औरत उसे किसी हॉस्पिटल का पता बताती है। मीना वहां जाकर अपना इलाज करवाती है, जिसके 2 महीने बाद ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खुशखबरी वो घर में सबको बता देती है। तभी उसकी सास उसकी नजर उतार के कहती है, अरे बहू तूने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जीते रहे बहू। बहू मैंने तुझे जो भी इतने टाइम पहले बोला, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, वक्त कुछ भी करा देता है किसी से, आप भूल जाओ और नन्हे मेहमान की तैयारी कीजिए। हाँ बहू। इस तरह उसके घर में खुशियाँ आ जाती है। वक्त बीतता है, मीना को 5 महीने बीत जाते हैं। एक बार वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रही थी, तभी वहाँ पर उसका पैर फंस गया और वो लोगों को अपनी मदद के लिए पुकारने लगती है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, ट्रेन आ जाएगी वरना, भैया मेरी मदद करो, मैं गर्भवती हूँ, कोई आकर बचाओ मुझे, मैंने इस बच्चे के लिए बहुत सपने देखे, कोई बचाओ, निकालो मुझे, कोई बचाओ प्लीज, ट्रेन आ रही है। अरे भागो भागो, ट्रेन आ रही है, हमें नहीं मरना। ट्रेन तेजी से मीना की ओर आ रही थी। यहाँ मीना अपने पैर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके आगे नहीं आता और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तभी ट्रेन आती है और मीना की गर्दन कट जाती है।
जिसकी वजह से वो और उसका बच्चा मर जाते हैं। बताओ क्या गलती थी मेरी? गांव वालों को मदद के लिए पुकारती रही लेकिन कोई भी नहीं आया। मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई। मेरी तरह मेरे बच्चे की भी आत्मा भटक रही है। तभी मैंने सोच लिया कि मैं इस गांव की किसी भी औरत को गर्भवती नहीं होने दूंगी। जिस तरह मैंने वो दुख सहा है उस तरह बाकी सब भी वही दुख सहेंगे। और कितने लोगों की जान लेगी तू? गर्भवती गर्दन वाली चुड़ैल, अब तुझे जाना होगा। ये बोलते ही तांत्रिक उसे काली माता के त्रिशूल से उसके पेट पर वार कर देता है, जिससे चुड़ैल और उसके बच्चे को मोक्ष मिल जाता है। इस तरह गांव वाले चुड़ैल के डर से मुक्त हो जाते हैं और गर्भवती औरतें खुशी खुशी रहने लगती हैं।